हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW कंपनी के डायनामाइट शो का प्रीव्यू। और गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि कल के डायनामाइट शो के लिए AEW कंपनी ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है और कैसे कल का डायनामाइट शो आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डायनामाइट शो बन सकता है। इसीलिए गाइज, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक होने वाले AEW कंपनी के डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW कंपनी ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज, सबसे पहली चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो पर बिली गन एक नॉर्मल 1-on-1 मैच के अंदर अपने ही बेटे यानी कोल्टन गन को फेस करने वाले हैं। और गाइज, अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज हमने AEW कंपनी शो के ऊपर देखा है कि लास्ट वीक जब बिली गन अपने बेटे यानी कोल्टन गन और ऑस्टिन गन के साथ बातें कर रहे थे तो तभी यहाँ पर स्ट्रोक के हैथवे आए थे और यहाँ पर स्ट्रोक के हैथवे की वजह से ऑस्टिन गन और कोल्टन गन इन दोनों ने अपने ही फादर यानी कि बिली गन के ऊपर अटैक कर दिया था क्योंकि ये दोनों काफी देर से अपने फादर को इम्प्रेस करने में लगे हुए थे और बिली गन तो इनसे इम्प्रेस नहीं हो रहे थे और इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर फाइनली गन क्लब बिली गन के ऊपर टर्न हो गया है और गन क्लब ने स्ट्रोक के हैथवे को ज्वाइन कर लिया है और बिली गन इससे काफी नाराज थे। इसलिए अब बिली गन खुद ही अपने बेटे को एक सबक सिखाना चाहते है। इसलिए बिली गन ने इस वीक के डायनामाइट शो पर अपने बड़े बेटे यानी कोल्टन गन के साथ एक मैच मांगा है और इसलिए हमें ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है। जो मैच देखा जाए तो गाइज एक बहुत ही बड़ा मैच है क्योंकि इस मैच के अंदर एक फादर अपने सन को फेस करने वाला है। तो गाइज, अब देखना पड़ेगा कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर कितना बढ़िया मैच साबित होता है और इस मैच के अंदर बिली गन और कोल्टन गन इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी होती है और इस मैच के अंदर कितने सारे इमोशंस आते हैं। लेकिन गाइज, जहां तक बात इस मैच की विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से कोल्टन गन ये मैच जीतने वाले हैं क्योंकि गाइज गन क्लब ने बिली गन को अभी भी छोड़ा है और मेरे हिसाब से कोल्टन गन और ऑस्टिन गन इनके लिए एक ब्राइट साइड की शुरुआत हो सकती है और शायद इसलिए हम इस मैच के अंदर कोल्टन गन अपने ही फादर यानी कि बिली गन को हराते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए गाइज मेरे हिसाब से कोल्टन गन ये मैच जीतने वाले हैं। पर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कोल्टन गन के मैच जीतने के बाद इस मैच के अंदर गन क्लब और द क्लेम के बीच में क्या होता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन दोनों टैग टीम्स के बीच में थोड़ी फार राइवलरी चल रही है। लेकिन गाइज, इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर रिकी स्टार्स आकर कुछ कहते हुए दिखाई देने वाले है। और गाइज, हमने इस वीक के रैंपेज शो पर देखा था कि रिकी स्टार्स ने कहा था कि रिकी स्टार्स के पास पावर ऑफ सॉप्स को बताने के लिए कुछ है और ये बातें रिकी स्टार्स इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर बताने वाले है। इसीलिए गाइज, देखना पड़ेगा रिकी स्टार्स पावर ऑफ सॉप्स से बातें करते हुए क्या कहते हैं और यहाँ पर रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स इन दोनों के राइवलरी के अंदर आगे क्या होता है। पर गाइज, इसी के साथ जो अगली चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक सिक्स मैन टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है जहां पर हमें डेथ ट्रायंगल, विल ऑस्प्रे और ऑजी ओपन को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और गाइज, सिक्स मैन टैग टीम मैच AEW कंपनी के ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच होने वाला है। इसलिए इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है। पर गाइज, मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का रेसलिंग वाइज सबसे बढ़िया मैच हो सकता है। और गाइज, मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर हमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि एक तरफ पाक और डेथ ट्रायंगल है और दूसरी तरफ ऑजी ओपन और विल ऑस्प्रे है, जिससे कि गाइज आप समझ सकते हैं कि इस मैच के अंदर कितने बढ़िया हाई फ्लायर्स है। इससे आप जरा अंदाजा ही लगाइए कि ये मैच कितना बढ़िया मैच होगा। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर इतनी है कि टूर्नामेंट का मैच होने की वजह से इस मैच के लिए कोई स्टोरी नहीं है। लेकिन गाइज, मेरे हिसाब से ये मैच रेसलिंग वाइज काफी बढ़िया मैच होगा। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से पाक और डेथ ट्रायंगल ये मैच जीतने वाले हैं और ये मैच जीतकर पाक और डेथ ट्रायंगल इस मैच के अंदर एक राउंड आगे पहुंच जाएंगे क्योंकि करंटली विल ऑस्प्रे और ऑजी ओपन ये AEW कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये दोनों ये मैच नहीं जीतने वाले। लेकिन देखना पड़ेगा कि विल ऑस्प्रे जैसे बड़े रेसलर इतना बड़ा मैच किस तरीके से हारते हैं जिससे कि उनका कैरेक्टर डैमेज नहीं होगा। गाइज, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसी के साथ अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स या फिर WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। पर गाइज, इसके बाद जो अगला मैच जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो ये है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो पर डॉक्टर ब्रिट बेकर एक 1-on-1 मैच के अंदर काइलन किंग को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है।
और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है और AEW कंपनी ने ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। पर इससे पहले हमने लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर देखा है कि काइलन किंग का मैच टोनी स्टॉर्म के खिलाफ हुआ था, लेकिन इस बार काइलन किंग का मैच डॉक्टर ब्रिट बेकर के खिलाफ हो रहा है। इसलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर काइलन किंग की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर गाइज हमें पता है कि काइलन किंग एक तरीके से AEW कंपनी के एक लोकल टैलेंट है, इसलिए मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर काइलन किंग की परफॉर्मेंस कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन इस मैच के आखिर में हमें डॉक्टर ब्रिट बेकर मैच जीतती हुई दिखाई दे सकती है। और गाइज यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मैच जीतकर डॉक्टर ब्रिट बेकर क्या करती है। पर गाइज इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको और डेनियल गार्सिया एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर फाइनल डेनियल गार्सिया और क्रिस जेरिको को बताना है कि डेनियल गार्सिया एक रेसलर है या फिर स्पोर्ट्स एंटरटेनर, क्योंकि गाइज हमने देखा है कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर जब डेनियल गार्सिया और डेनियल ब्रायन इनके बीच में एक मैच हुआ था, तो गार्सिया एज स्पोर्ट्स एंटरटेनर नहीं बल्कि एज रेसलर रसल कर रहे थे। और ये बात डेनियल गार्सिया ने एक तरीके से जेरिको को बता दी। पर अब यहाँ पर ये देखना है कि गार्सिया खुद ही कन्फेस कर पाते हैं या नहीं कि गार्सिया एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर नहीं बल्कि एक रेसलर है। इसलिए गाइस इस वीक के डायनामाइट शो पर देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर जेरिको से बातें करते हुए गार्सिया क्या कहते हैं। क्या गार्सिया जेरिको के साथ रहकर एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर का काम करने वाले हैं या फिर गार्सिया ब्रायन के साथ जाकर एज ए रेसलर काम करने वाले हैं। पर मेरे हिसाब से यहाँ पर गार्सिया ब्रायन की तरफ ही जा सकते हैं। पर गाइस जोगला मैच जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर FTR के डैक्स आरूड जे लिटल को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस हमने देखा है कि जे लिटल वार्डलो के खिलाफ एक सिक्स मैन टैग टीम मैच चाहते हैं, जिस मैच के अंदर FTR भी इन्वॉल्व होगी। पर इस सिक्स मैन टैग टीम मैच से पहले यहाँ पर FTR चाहते हैं कि यहाँ पर डैक्स आरूड और जे लिटल के बीच में एक मैच हो जाए, और इसके बाद ही FTR डिसाइड करेंगी कि ये सिक्स मैन टैग टीम मैच रसल करने के लिए रेडी है या नहीं, जो बात यहाँ पर डैक्स आरूड ने कही थी। और इसीलिए यहाँ पर जे लिथल डैक्स आरूड के खिलाफ एक 1-on-1 मैच देने के लिए मान चुके हैं, और इसीलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो पर डैक्स आरूड और जे लिथल इन दोनों के बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिलने वाला है, जो इस मैच के लिए एक सीधी सी बैक स्टोरी है। पर गाइज जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे बेस्ट टेक्निकल मैच हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि डैक्स आरूड कितने बढ़िया टेक्निकल रेसलर है, लेकिन गाइज जे लिथल भी टेक्निकल रेसलिंग के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार है। इसलिए देखना पड़ेगा कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर कितना बढ़िया टेक्निकल रेसलिंग मैच होता है। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर हमें जे लिथल ही मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गाइज जे लिथल एक सिंगल्स कम्पिटेटर है जबकि डैक्स आरूड एक टैग टीम रेसलर है। इसलिए मेरे हिसाब से जे लिथल ही मैच जीतने वाले हैं, और ये मैच जीतकर जे लिथल आगे चलकर अपना सिक्स मैन टैग टीम मैच हासिल कर लेंगे। लेकिन गाइज इस सब के बाद जो आखिरी और सबसे बड़ी चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि गाइज हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर AEW कंपनी के अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्राउन करने के लिए AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन CM Punk इंटीरियम वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीतेगा वो बन जाएगा अल्टीमेट AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, यानी कि अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज हमने देखा है कि CM Punk वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद इंजर्ड हुए थे, लेकिन AEW कंपनी ने पंक को टाइटल से स्ट्रिप ऑफ नहीं किया, बल्कि AEW कंपनी ने जब तक पंक नहीं आते तब तक अपनी कंपनी के अंदर इंटीरियम वर्ल्ड चैंपियन क्राउन किए, जो कोई और नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली है। लेकिन अब CM Punk वापस आ चुके हैं, और आगे चलकर जॉन मॉक्सली और CM Punk इन दोनों के बीच में एक टाइम के ऊपर अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन क्राउन करने के लिए एक मैच होने ही वाला था। और गाइज इसलिए हमें ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है, जहां पर CM Punk और जॉन मॉक्सली एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीतेगा वो बन जाएगा अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो देखा जाए तो इस मैच के लिए सीधी सी बैक स्टोरी है। लेकिन गाइज ये मैच अपने आप में काफी बड़ा मैच है, क्योंकि इतना बड़ा मैच एक नॉर्मल टेलीविजन के ऊपर हो रहा है, और इसके पीछे की हिस्ट्री जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी कल की ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की रिजल्ट की, तो गाइज मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि हमें प्रोबेबली इस मैच का रिजल्ट दो तरीकों से निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहला तो ये कि गाइज ये मैच एक टाइम लिमिट ड्रॉ के अंदर खत्म हो जाएगा। पर गाइज जो दूसरा तरीका है जिससे कि इस मैच का रिजल्ट निकल सकता है, वो ये है कि हमें इस मैच के अंदर प्रोबेबली MJF अपना कमबैक कर यहाँ पर जॉन मॉक्सली और CM Punk इन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे कि ये मैच एक डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर खत्म होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि AEW कंपनी इतने बड़े मैच का रिजल्ट इस वीक के डायनामाइट शो पर सीधे सीधे निकालने वाली है, इसलिए मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। लेकिन गाइज सरप्राइजिंगली अगर AEW कंपनी इस मैच का रिजल्ट सीधे सीधे निकालती है, तो मेरे हिसाब से CM Punk मैच जीतने वाले हैं, और Punk मैच जीतकर बन जाएंगे पहले अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन,
जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन इस सब के अलावा अगर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कुछ होता है तो क्या है ये आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। हे डिड यू लाइक दैट वीडियो क्लिक द स्क्रीन फॉर मोर। And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?